आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रीना नेगी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। तो हो गई है आज के ब्लॉग की शुरुआत, और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के 8 बजे से, और मैंने चाय चुई पी ली है। ऋतु तो अभी सोया हुआ है। तो कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा मैं मायके से ससुराल आ गई थी, क्योंकि ऋतु के पापा ने आना था आज, तो उनका फ़ोन आया था मुझे। तो 6 बजे दिल्ली से निकल गए, तो शायद घर तक तो 9-10 बजे तक पहुंच ही जाएंगे। तो चलो तब तक मैं बाकी काम निपटा लेती हूँ, नाश्ते नुस्ते की तैयारी करती हूँ, और उनको भी पूछूँगी कि वो नाश्ता करेंगे या मतलब उनके लिए बना के रखूँ या नहीं बनाऊँ, क्योंकि फ्लाइट से आ रहे तो क्या पता वो वहीं पे खा के आएँ। चलो देखते हैं क्या क्या होता है, और तब तक करती हूँ बाकी काम और नाश्ते की तैयारी। मलेशिया वासी फॉरनर पहुँच गए, कैसा रहा तुम्हारा सफर? फिर थकान लग गई होगी तुम्हें? थकान चाय चुई बनाती हूँ मैं। भैया पी के जाएंगे? भैया वो भैया किसके लिए क्या रखे? रिदू रिदू पिदू इस पे मत टच करा अभी। आपको पता है चाचू लेने आ गए, उसको तो खुद ही शौक लगेगा। सुबह सुबह कहाँ से पहुंच गए, मेरे को नींद खुली नहीं कि चाचू आ गए। पापा आ गए, रितु के पापा भी। और अब मैं चाय पानी बनाती हूँ इनके लिए, उसके बाद नाश्ता नुस्ता बनाएंगे, नाश्ता खाएंगे ये, क्योंकि इन्होंने भी नाश्ता किया नहीं। तो चलो फटाफट से पहले चाय बना देते हैं। अभी मैं करने लगी हूँ नाश्ते की तैयारी, और आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। रितु के पापा ने कहा था कि आलू के पराठे बना दे मेरे लिए, और चलो तो बनाती हूँ। यहाँ पर स्टफिंग भी तैयार कर दी है, आटा भी गूंद दिया, तो चलो फटाफट से पराठे बनाते हैं। तो मैंने अभी बना दिया है रितु के पापा के लिए तो नाश्ता, पहले वो कर लेंगे, फिर मैं अभी बना रही हूँ अपने लिए रितु के लिए। रितु तो खैर अपने पापा के साथ ही खा लेगा, पर अभी बना रही हूँ, और गरम गरम पहले रितु के पापा को दे देती हूँ बना के। तो ये बनाया मैंने आलू के पराठे, और ये है मिक्स वाला अचार जो मैं लेके आई थी, और ये है आम का अचार, और ये चाय। तो चलो रितु के पापा को दे के आते हैं। मेरी चुन्नी का ये लो, बहुत दिनों बाद घर का खाना। ऐसा कौन खा देता है ना? अरे मतलब तुम निकाल लो ना, मैं इसलिए कटोरे में लेके आई, एक साथ थोड़ा मिक्स करके लेके आती है अचार सब। तुम्हें जिस हिसाब से टेस्ट जो खाना है वो खा लो। इनको ना बहुत थकान लगी है, इनको नींद आ रही है, इसलिए नहाना है। तुमने आज सुबह नहा रखा है? किसके लिए रखना है ये? दादाजी ठीक हो रहा है? देखना टेस्ट करके। अभी उसको पहले वो कलम है। अब ठंडा हो गया थोड़ा, साइड में तभी बोल रही थी। अभी मैं तो उसको आप बुढ़े आदमी हो, ठीक हो रहे? ठीक है चल। तो रितु के पापा खा रहे हैं, मैं अपने लिए भी बना देती हूँ, उनके लिए भी गरम गरम पराठे बना के लेके जाती हूँ। तो रितु के पापा ने तो खाना खा दिया, अब मैं भी खाऊंगी अपना नाश्ता, और साथ में रितु को भी खिलाऊंगी, और मैं भी आज घर के अचार में ही खाऊंगी और चाय के साथ। तो चलो नाश्ता कर देते हैं पहले, उसके बाद बहुत सारा काम मेरा वो निपटा दूंगी मैं। तो हम लोग का अभी हो गया सुबह का नाश्ता, और अब मैं करूँगी पूरे घर की साफ सफाई, क्योंकि रितु के पापा आए थे ना, उनको पूरा सामान ऐसे बिखरा बिखरा सा है, तो एक बार पूरा समेट दूंगी। कपड़े कपड़े भी धुलने के लिए उनके, तो वो भी धुलने के लिए निकाल दूंगी। उसके बाद मैं दिखाऊंगी रितु के पापा की बैग की अनबॉक्सिंग करके, कि उसमें सिर्फ कपड़े ही जो यहाँ से लेके गए थे वही हैं, या हमारे लिए कुछ लेके भी आ रखे। तो चलो पहले फटाफट से साफ सफाई करते हैं, उसके बाद बाकी सामान दिखाऊंगी। तो हो गई है मेरे घर की सारी साफ सफाई, और अब मैं कर रही हूँ रितु के पापा की टूर वाले बैग की अनबॉक्सिंग, जो ये लेके गए थे। ये पैक भी मैंने किया था, ये खोल भी मैं ही रही हूँ। खैर खोल तो मैंने अभी पहले दिया था, इसमें से उनके लिए टॉवल वगैरह निकाला था,
तो चलो अब खोलते हैं इस पिटारे को और देखते हैं क्या क्या निकलता है इसमें से। अब हम करेंगे इस सामान की अनबॉक्सिंग। खैर खोल तो मैंने पहले ही दिया था क्योंकि इसके जो वो अपने साथ मलेशिया कपड़े लेके गए थे वो मैंने धुलने के लिए डाल दिए हैं इसमें से। और अब इसमें बस थोड़ा बहुत इनका अपना पर्सनल सामान जैसे टूथब्रश वगैरह और जो वो लेके आए हैं वहाँ से वो। चलो अब मैं इसको खोलूँगी और आपको भी बताऊँगी कि क्या क्या लेके आए हैं ये मलेशिया। तो सबसे पहले ये लेके आए हैं रिद्धू के लिए ये वाला बैग, ये प्लास्टिक है और ये ऐसा सब ऐसा खुल जाता है। तो ये बैग लेके आए हैं रिद्धू के लिए, जब रिद्धू स्कूल वगैरह जाएगा कहीं घूमने जाएगा तो उस सब के लिए उसका काम आ जाएगा। और रिद्धू के लिए लेके आए हैं ये कार, रिमोट कंट्रोल कार है ये, तो जब रिद्धू बड़ा हो जाएगा तभी खेलेगा क्योंकि अभी हम उसके लिए जो भी गाड़ियाँ लेके आ रखे हैं ना, मतलब जो भी एक आध गाड़ियाँ लेके आए उसको तो वो ना उसके टायर निकाल के तोड़ देता है, इसलिए अब इसे हम जब रिद्धू बड़ा हो जाएगा तब देंगे उसको। अभी मैं उसको संभाल दूँगी। तो खोलते हैं ये वाला बैग, इसमें एक है लेडीज़ परफ्यूम जो मेरे लिए लेके आए हैं, ये है ट्विन टावर जो मलेशिया में है, ये एक मोमेंटो है, ये टी शर्ट्स, दो स्पोर्ट्स वॉच है, और ये क्या है ट्विन टावर वाले की चेन और ओपनर भी है इसमें कुछ, और ये शायद मैग्नेट वाले हैं जो फ्रीज वगैरह पे लोहे के उसमें चिपकते हैं वो है। और तो यही है बस, इसमें तो यही है। और हाँ ये है एक विंचटर जो ये मेरे लिए लेके आए हैं, ये वाला ये मैंने पहन के देखा अभी तो लूज हो रहा है, ये लूज ही है वैसे, जब कभी पहनूंगी तो तब दिखाऊंगी आपको। तो खाली पानी है, ये भी परफ्यूम है, ये जींस परफ्यूम है, बाकी तो इसमें सारा इनका ही सामान है। बाकी ये इनका जो वहाँ इवेंट हुआ था उसका मोमेंटो था, वो सब तो बैग में लगाएंगे। इनमें है कुछ चॉकलेट्स, तीन टूफ है, इसमें सारे चॉकलेट्स वगैरह हैं। तो बस ये सब लेके आए थे दीदू के पापा। कर दिया मैंने बैग की अनबॉक्सिंग और बता दिया आप सभी को कि क्या क्या लेके आए हैं। और ये जो सारा सामान लेके आए हैं ये हमारे लिए, मतलब अपने लिए नहीं सबके लिए ला रखे हैं, जिन हमारे मतलब जो जो हमारे जान पहचान के लिए सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आ रखे हैं। तो अभी सब मैं सामान रख दूंगी और मैंने कपड़े भी अंदर धुलने के लिए लगाए हुए हैं दीदू के पापा के। और वैसे भी ये कह रहे थे ना वहाँ पर ज़्यादा महंगाई है, मतलब ऐसे नहीं, मतलब जो सामान यहाँ मिलता सेम यहाँ यहीं से एक्सपोर्ट होके वहाँ जाता है कि, और वहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे सस्ते में मिल रही है वही चीज़ वहाँ पे दो गुना रेट पे मिल रही है, तो इसलिए वो कुछ ज़्यादा लेके भी नहीं आए। चलो अब मैं ये सारा सामान समेटती हूँ और उसके बाद बनाऊँगी दिन का खाना, और दिन का खाना खाएँगे हम लोग। और अभी दीदू बैठा हुआ है अंदर अपने पापा के साथ, तो जब तक वो लोग अपने आप मतलब बैठे हुए हैं अंदर, दीदू भी बैठा हुआ है आराम से, तब तक मैं खाना खुना भी बना देती हूँ और दिन का खाना खाएँगे, उसके बाद रितु को सुलाएंगे और हम लोग भी थोड़ा आराम करेंगे। तो मेरा बन गया अभी दिन का खाना और रितु खा रहा है यहाँ पे। इसको मैंने यहीं पे दिया क्योंकि अंदर ले जाता तो गिरा देता, तो यहीं पे खा रहा है और अंदर इसके पापा खा रहे हैं। तो चलो एक बार ये खा ले, वो खा ले, उसके बाद मैं खाऊँगी। तो अभी हम लोगों ने दिन का खाना खाया ही था और बाहर धूप के साथ बारिश भी हो रही है, तो ये देखो धूप के साथ इतनी भयंकर बारिश हो रही है और एक तरफ धूप भी लगी है, सूर्य देव भी आ रखे हैं, आशा शियार की शादी हो रही है। हमारे यहाँ बोलते हैं ना लोमड़ी की शादी होती है, बल्कि दिन धूप और बारिश एक साथ आते गढ़वालियों में, तो लोमड़ी को हमारे यहाँ शियार बोलते, तो शायद आज उसी की शादी हो रही है। जितनी तेज़ बारिश आ रही है उतनी आवाज़ से आपको लग रहा होगा, पता चल रहा होगा कितनी फोर्स में आ रही है कि हमारे यहाँ तक पूरा पानी आ गया छींटे छींटे। और इसको देखो मेरी धूप, चलो अंदर चलो, अब मैं इसको सुलाऊंगी क्योंकि इसने दिन का खाना खा दिया है और उसके बाद अपने काम बाकी निपटाऊंगी। क्या होंगे
हो गया हम लोग का दिन का खाना भी, और अब हम लोग आराम करेंगे। और अभी तक बाहर बारिश हो रही थी, और देखो अब भी बंद हो गई, पर मौसम बाहर वैसे ही हो रखा है धुंधला धुंधला, मतलब शायद फिर से बारिश आएगी थोड़ी देर में। बाहर बादल लगे हुए हैं अभी भी, शायद फिर से बारिश आएगी, मौसम का कोई भरोसा नहीं आजकल तो। देहरादून में यही रोज़ बारिश 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 ऐसे ही चल रहा है। कल शाम को थोड़ा मौसम ठीक हुआ था जब मैं मायके से आई थी, तो तब लग रहा था शायद अब मौसम सही रहेगा, सावन जाने वाला है, पर चलो देखते हैं कब तक ऐसा रहता है, क्योंकि वैसे तो बोला जा रहा है सितंबर हाफ तक भी मौसम ऐसे ही रहेगा, देखते हैं क्या क्या होता है। चलो थोड़ा आराम करते हैं। तो मैं उठ गई हूँ सो के, और दिद्दू और दिद्दू के पापा तो अभी सोए हुए हैं, और अभी हो रहे हैं शाम के 6:30, और बाहर हो रखा है पूरा ऑरेंज ऑरेंज मौसम, मतलब बारिश हुई नहीं तो पूरा ऐसा लग रहा है जैसे ऑरेंज ऑरेंज संतरा संतरा कलर का वैसा हो रखा है बाहर। तो दिन भर मौसम में पता नहीं कितने रंग बदलता रहता है, कभी बारिश कभी धूप कभी बारिश धूप ऐसी होता रहता है। तो चलो मौसम तो ऐसे ही बदलता रहेगा, बस तो बस ज़्यादा बारिश ना हो और मौसम कुछ दिन में नॉर्मल हो जाए। आजकल ना मौसम का कुछ भी पता नहीं चल रहा, कभी धूप आ रही कभी बारिश हो रही कभी धूप बारिश दोनों रह रही, अभी मौसम ऑरेंज सा हो गया। आजकल ऐसा ही है, बरसात इतनी जितनी बारिश पड़ते रहे दोनों में इतनी, जब से मतलब हम लोग यहाँ पे आए हमको मतलब कभी इतनी बारिश नहीं देखी, और आजकल तो बारिश इतनी हो रही कि सारी सब जगह के नदी नाले पूरे उफान पे हैं। चलो देखते हैं कुछ दिनों में अगर मौसम सही जाए तो बढ़िया है, क्योंकि अब तो भादों का महीना भी लगता है सितंबर अगस्त लास्ट सितंबर से, मतलब काफ़ी धूप हो जाती है, दिन भी छोटे हो जाते हैं थोड़ा। देखते हैं क्या क्या होता है, थोड़ा मौसम सही हो जाए धूप लगे तो बस हम भी कपड़े कुपड़े बिस्तर वगैरह बाहर डालें धूप में, क्योंकि ना बारिश के मौसम में बरसात में पूरा ऐसा हो जाता है थोड़ा सीलन सी लग जाती है। चलो देखते हैं क्या क्या होता है। और ऋतु अभी अंदर ही सो रखा है, तो थोड़ा मैं लोग के लिए चाय बना के चाय चूपेंगे, फिर रात के खाने की तैयारी करेंगे, और आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करूँगी और मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।